कोतवाली विकास नगर पुलिस ने तीन अलग अलग शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक गिरफ्तार आरोपी से 54 पौवे अवैध देसी शराब भी बरामद की है, तो वहीं दो गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 9 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। तो वहीं एसपी ग्रामीण कमलेश उपाध्याय ने बताया है कि नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रहेगा। साथ ही कहा कि जनपद के पुलिस कप्तान के नशे की रोकथाम के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और कहा कि अवैध नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो ये नशे का कारोबार चल रहा है, इसमें हमारी ये प्रायोरिटी, जो मैंने भी 5 पॉइंट्स बताए थे आपको, जो हमारे कप्तान साहब के भी मेन फोकस है जिन पर, तो उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अभी हमने जितना एनडीपीएस में हमारे वहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं पछवा दून में, और हम जो जागरूकता वाले, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हो गया जागरूकता अभियान, तो वो भी हम जो पुलिस है वो कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाती है, मोहल्लों में जा रही है और वहां लोगों को समझा रही है इसके प्रयोग को रोकने के लिए।